हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस दिसंबर जनवरी में हम कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाकर अप्रैल मई तक फ्लावरिंग पा सकते हैं। उसके पहले मैं आपको अपना कुछ विंटर गार्डन दिखा देना चाह रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा गुलदावरी के विभिन्न रंगों के, देखिए ये पीला, ये कत्थई, देखिए इस पे हनी बी भी मंडरा रही है। देखिए इनके फ्लावर्स पर रंग बिरंगे, ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और इन पर जो है हनी बी जरूर आती है। भंवरा भी मैंने देखा है अपनी गार्डन में। और एक कलर ये है, देखिए एक कलर ये है, ये देखिए दूसरी वैरायटी है ये। और ये देखिए वाइट कलर, इसी में एक कटिंग मैंने, नहीं एक ही गमले में मैंने दो कटिंग लगाई थी, एक वाइट की और एक येलो की हो गई। अब कटिंग लगाते समय तो मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कौन सा कलर आएगा। और ये दोनों तो मैंने परचेज करके लगाया है ये भी। तो चलिए अब चलते हैं और एक चीज़ आपको दिखा दें। देखिए मैंने एक नए वैरायटी का गुड़हल खरीद के मैं लाई थी फैजाबाद से, और देखिए आज उसमें पहला फूल खिला है, कितना सुंदर। इस पे भी देखिए, तो इसको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इस सीजन में हम किस किस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और जो कि अच्छी सर्दी में सर्वाइव भी करेगा और हमें उससे जो है अप्रैल मई तक फ्लावरिंग मिल सकती है। इसमें सबसे पहला है क्लेंचो। क्लेंचो जो कि एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। ये देखिए, ये सब कटिंग मैंने अभी दिसंबर नवंबर के लास्ट में मैंने लगाई थी, उधर बरसात में मैं नहीं लगा पाई। तो देखिए, और वैसे यह एक पत्ती से भी प्रोपोगेट हो जाता है, लेकिन ये देखिए इसकी कटिंग कितनी सुंदर चल रही है। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे और पूरा भर जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, देख रहे हैं। और ये डेंथस की कटिंग मैंने जैसा कि आपसे शेयर किया था, मैंने लगाया था ये देखिए। और देखिए एक में फ्लावरिंग भी, ये देखिए देख रहे होंगे यहाँ। और ये मैंने लगाया था दिसंबर के शुरुआत में, ये देखिए इसमें जड़ें बन रही हैं। डेंथस भी विंटर सीजन का बहुत ही सुंदर फ्लावर होता है और इसके जो है फ्लावर इस तरह से। ये प्लांट मेरे पास बहुत दिन से है, इसकी कटिंग लगा लगा के ही मैं हमेशा इसको, ये मेरे पास 5-6 साल से है। ये देखिए, एक देखिए आइस प्लांट में एक प्लांट लगा दीजिए, इसमें तमाम हो जाते हैं। तो मेरा जो मदर प्लांट है वो सूख रहा था, तो किनारे जो ये प्लांट थे मैंने लगा दिए हैं, अब इसमें फ्लावरिंग होगी। ये देखिए पिटूनिया, पिटूनिया की भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। ये देखिए मैंने इसका प्लांट सूख रहा था तो मैंने दो कटिंग इसमें से निकाल के लगा दी। तो देखिए इसमें जो है एक फ्लावर भी खिला हुआ है और ये देखिए टिप पे कलियां भी हैं, ये देखिए कली बन रही है। तो ये भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और ये देखिए मेरी गोल्ड, मेरे तीन कलर के हैं, एक ये ऑरेंज, एक ये येलो और एक ये जाफरी। तो ये दोनों तो मैं कटिंग से नहीं लगाई थी, नर्सरी से लाई थी, लेकिन इसको मैंने, मेरा पिछले साल का पुराना प्लांट था तो इसकी कटिंग मैंने लगा दी थी। एक राउंड तो ये बहुत खिला, ये सेकेंड राउंड खिला है। उन स्पेंट फ्लावर्स को मैंने निकाल दिया, अब इसमें सेकेंड राउंड, ये देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद ये देखिए बिंका, ये हाइब्रिड बिंका का मदर प्लांट मेरा वहाँ है,
और ये मैंने कटिंग इसमें बॉटल में रख दी थी, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये देसी बिंका की कटिंग है, देखिए सब कितना अच्छा ग्रो हो रहा है। बिंका तो हमेशा, इसका नाम ही सदाबहार है, इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन इसकी कटिंग आप चाहे जब इतनी सी टिप लेके और चाहे जब लगा दीजिए, इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। एवरग्रीन प्लांट ये पेंटास, इसमें कितने दिन से गर्मी से ही फ्लावरिंग हो रही है, इसकी भी कटिंग मैंने लगाई है। देखिए पेंटास की कटिंग मैंने लगाई है, देखिए कितनी अच्छी चल गई है। एक ये देखिए कितनी अच्छी पेंटास की कटिंग मेरी लग गई है। इससे मेरे दो प्लांट हो जाएंगे। तो पेंटास भी एवरग्रीन होता है, इसकी भी ऊपर की टिप आप निकाल के 4 इंच की और लगा दीजिए, तो इस तरह से आपको इतना अच्छा परिणाम मिलेगा और इसमें हमेशा फ्लावर। और ये कोलियस की कटिंग, ये देखिए ये छोटे से टूटे गमले में मैं लगा रही, पानी डाल रही थी और मेरा जो है एक डाल टूट गई, तो मैंने इसमें छोटे से टूटे हुए गमले में रख दिया। देखिए कितनी अच्छी इसमें, ये एक छोटा सा था, देखिए ये भी इसमें भी पत्तियां निकल आई हैं। ये देखिए, और ये मेरे पास पांच प्लांट थे, सब मैंने कटिंग से तैयार किया है। देखिए छोटी छोटी डिब्बे में मैंने कटिंग लगा के, देखिए इस तरह से आप इनको डिवाइड करके इतनी सी इसकी कटिंग ले लीजिए, यहाँ से इतनी बड़ी, और लगा दीजिए, दो नोड अंदर चली जाए और एक दो नोड बाहर, बस ये इतना अच्छी। देखिए मेरा कोलियस, केवल मैंने 5 प्लांट खरीदा था, उससे मेरे पास 12 प्लांट हैं। उसके बाद आप एक गजानिया देख रहे हैं, इसमें एक प्लांट से कितने प्लांट डिवाइड होते हैं। इसमें से आप इसकी इसका एक प्लांट ऐसे निकाल के एक एक प्लांट एक एक गमले में लगा दीजिए, देखिए इसमें कलियां बनने लगी हैं, ये देखिए, और लगा दीजिए तो एक प्लांट से आपको कई प्लांट मिल जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे कैलेंडुला में भी देखिए एक से कई प्लांट होते रहते हैं, इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। कैलेंडुला भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये देखिए ये है हाइब्रिड विंका का मदर प्लांट, जिसमें से मैंने कटिंग लगाई है, और देखिए उसमें भी फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो रही है। इस तरह से आप तमाम, अभी भी गुलदावदी की कटिंग आप लगा सकते हैं, ये सब मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। देखिए अभी भी आप लगा देंगे अगर, तो इसकी फ्लावरिंग आपको, ये देखिए यहाँ मैंने लगाई थी ये कटिंग, ये देखिए तैयार हो गई है ये हाइब्रिड विंका की। ये देखिए इसमें मेरी तुलसी जी निकली हुई है बहुत अच्छी सी। ये है मेरा क्लेंचो का मदर प्लांट, जिससे कि मैंने जो कटिंग आपको दिखाई उसमें मैंने लगाई है। और आप डहेलिया की भी कटिंग लगा सकते हैं, खैर डहेलिया की कटिंग तो मैं नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास कोई मदर प्लांट नहीं है, लेकिन आप उसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं। डहेलिया भी बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, और मैं तो सब नर्सरी से ले आई थी और मैंने उसी से 4-5 प्लांट लगाया है, अभी मेरा कुछ नहीं हुआ। ये मेरा हाइब्रिड क्लेंचो है, इसको मैंने पहली बार शामिल किया है। ये देखिए ये मेरा है उसका जरबेरा का प्लांट, अब कि मैं एक ही प्लांट ले पाई। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ क्योंकि 3rd फ्लोर पे मेरा गार्डन है। रिटायरमेंट के बाद अब उतनी एनर्जी शरीर में नहीं होती, उतनी स्टेमिना नहीं है कि मैं ये सब पूरा 3री मंजिल तक खाद मिट्टी सब चढ़ाएं।
ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो आपसे शेयर किया, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, गुड बाय।